ट्वीट पर बात कर लेते हैं, उसमें क्या चीज गलत थी? आपने उसके अंदर जो मुझे याद आ रहा है उसके अंदर आपने कुरान की आयत को कोट किया और उसके साथ साथ आपने अपनी तरफ से एड ऑन कुछ चीजें करी। एक बार मैं चेक क्या किया, असल तो वही है ना जो एड ऑन है वो क्या है? नहीं होती है, नहीं है। इंग्लिश में पढ़िए जरा, इंग्लिश में पढ़िए जी। और अगर उनका हस्बैंड मुसलमान है जी तो ये मैरिज इस्लामिकली वैलिड नहीं है जी। आपने आपने इसके बाद जो है वो कुरान की आयत लिखी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की मैरिज के ऊपर। इनकी मैरिज सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। इसके पीछे का रीजन ये है कि सोनाक्षी सिन्हा एक गैर मुस्लिम है और मुशरिका है, जबकि जहीर इकबाल एक मुस्लिम है और इन्होंने गैर मुस्लिम से शादी कर ली है। सोनाक्षी और जहीर की शादी को सोशल मीडिया में बहुत ट्रोल भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने कमेंट सेक्शन भी बंद कर दिए हैं। अब इस शादी से कौन खुश है कौन नाराज है ये बताना हमारा पर्पज नहीं है, बल्कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये शादी सही है या गलत ये जानना आपको जरूरी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी शादी आए दिन होती रहती है, लेकिन एक मुसलमान को एक मुशरिका से शादी करता देख हमारा फर्ज बनता है कि ऐसी शादियों को प्रमोट होने से रोका जाए। हम उन मुसलमान भाई बहनों को ये मैसेज देना चाहते हैं जो मोहब्बत में आकर अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। और इस हवाले से आलमी फैक्ट्स चैनल से इन भाई ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो चलिए देखते हैं कि इन भाई ने सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी पर क्या कहा है। बात इतने आगे बढ़ चुकी है, दूल्हा दुल्हन भी जमकर ट्रोलिंग का सामना कर रहे हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्राइवेसी लगाना शुरू कर दी है। सलमान खान का नाम भी इसमें पेश पेश है। कोई कह रहा है ये दस्तखत मैरिज सर्टिफिकेट पर नहीं अंध भक्तों की छाती पर हो रहा है। नया अब्दुल जीजा मुबारक हो सालो। मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी साहब का एक बयान भी काफी गर्दिश कर रहा है। पहली ट्वीट पर बात कर लेते हैं, उसमें क्या चीज गलत थी? आपने उसके अंदर जो मुझे याद आ रहा है उसके अंदर आपने कुरान की आयत को कोट किया और उसके साथ साथ आपने अपनी तरफ से एड ऑन कुछ चीजें करी। एक बार मैं चेक क्या किया, असल तो वही है ना जो एड ऑन है वो क्या है? नहीं होती है, नहीं है। इंग्लिश में पढ़िए जरा, इंग्लिश में पढ़िए जी। और अगर उनका हस्बैंड मुसलमान है जी तो ये मैरिज इस्लामिकली वैलिड नहीं है जी। आपने आपने इसके बाद जो है वो कुरान की आयत लिखी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक शादी हो रही है, बहुत ही धूमधाम से हो रही है। कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, वही कुछ लोग ऐसी भी है जो अपना सीना कूट रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की बात कर रहा हूँ। सीमा हैदर को सोनाक्षी सिन्हा के साथ क्यों वायरल किया जा रहा है वो भी बताएंगे, साथ साथ तो कुछ लोग कुरान इस्लाम और मुसलमानों पर सवाल उठा रहे हैं और इसे लव जिहाद का नाम दे रहे हैं। बात इतने आगे बढ़ चुकी है, दूल्हा दुल्हन भी जमकर ट्रोलिंग का सामना कर रहे हैं। दोस्तों खबर जितनी मजेदार है उतनी ही तकलीफ दे भी है, जैसा कि होता ही है। हिंदुस्तान की सियासत में मुसलमान नेताओं का तो नहीं मगर मुसलमानों का और इस्लाम का बहुत बड़ा रोल है। अगर इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम न किया जाए तो सत्ताधारी सरकार का नामो निशान मिट सकता है। इसी बीच इस्लाम के बड़े मुबल्लिग मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी साहब का एक बयान भी काफी गर्दिश कर रहा है। सब कुछ आपको बताएंगे, आखिर माजरा क्या है ये खास खबर शुरू करते हैं। 23 जून की शाम एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में जहीर इकबाल से शादी कर ली। उनके घर पर हुए इस इवेंट की तस्वीरें भी शेयर की। लिखा कि इस शादी में उन्होंने अपने परिवारों और दोनों ईश्वरों से आशीर्वाद लिया। हालांकि सोनाक्षी सिन्हा ने इस पोस्ट का कमेंट सेक्शन बंद कर रखा है और जहीर ने भी। दरअसल जब से उनकी शादी की बात पब्लिक डोमेन में आई है उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। अंतरधार्मिक विवाह के लिए उलझुल बातें लिखी जा रही है। इंस्टाग्राम पर शादी का पोस्ट डालने के बाद व्यक्ति को उम्मीद रहती है कि जान पहचान वाले दोस्त साथी मुबारकबाद देंगे, मगर शादी के पहले आए रिएक्शंस की वजह से सोनाक्षी और जहीर ने कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया। अब ना मुबारक देने वाले बधाई दे पाएंगे न गाली देने वाले गाली। अपनी शादी की पोस्ट में सोनाक्षी ने लिखा है, 7 साल पहले आज ही के दिन यानी 23/6/2017 हमने एक दूसरे की आंखों में प्यार देखा था, प्यार का सबसे शुद्ध रूप, और हमने उसे ही थामे रखने का फैसला किया। उस प्यार ने हमें सभी चुनौतियों से गुजरने में साथ दिया, इस पल तक ले आया जहां हमारे दोनों परिवारों और हमारे दोनों ईश्वरों के आशीर्वाद से अब पति पत्नी है। इस समारोह में सोनाक्षी के साथ उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा भी दिखे। हफ्तों से अटकलें लगाई जा रही थी कि वो इस शादी से खुश नहीं है और शादी में नहीं आएंगे,
लेकिन अब ये अटकलें सिर्फ अटकलों तक रह गई है। जब उनसे पूछा गया कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने मीडिया से कहा, ये भी कोई पूछने की बात है? हर पिता इस पल का इंतजार करता है जब उसकी बेटी को उसके चुने हुए दूल्हे को सौंप दिया जाता है। मेरी बेटी जहीर के साथ सबसे ज्यादा खुश दिख रही है, उनकी जोड़ी सलामत रहे। अब ये तो हुआ लड़की के वालिद का बयान, अब बताते हैं दुनिया क्या बोल रही है। आरती नाम की यूजर सीमा हैदर और सचिन के साथ सोनाक्षी और जहीर की फोटो शेयर कर तंज कसते हुए लिखती है, ट्रू लव लव जिहाद यानी सीमा हैदर हिंदू शादी करती है तो लोग बोलते हैं सच्चा प्यार, अब मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी कर रहा है तो बोल रहे हैं लव जिहाद। सीमा हैदर तो आपको याद ही होगी, दरअसल पाकिस्तान की रहने वाली सीमा और ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में रहने वाले सचिन के बीच पबजी गेम खेलते हुए दोस्ती हुई थी, जिसके बाद ये दोस्ती प्यार में बदल गई। सीमा के 4 बच्चे हैं और उसका पति दुबई में रहता है। सचिन से मिलने के लिए सीमा पहले दुबई पहुंची और फिर नेपाल के रास्ते उसने भारत में एंट्री ली और पूरी मीडिया ने सुबह शाम इनके प्यार के कसीदे गाए और जश्न मनाया जा रहा था क्योंकि लड़की मुसलमान थी। मगर अब माहौल कुछ उल्टा ही है क्योंकि लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान। विनय दुबे लिखते हैं, ये दस्तखत इकबाल मैरिज सर्टिफिकेट पर नहीं अंध भक्तों की छाती पर कर रहा है। नया अब्दुल जीजा मुबारक हो सालो। गब्बर नाम के एक यूजर मीम शेयर करते हुए, मीम आपकी स्क्रीन पर है, मुझे नहीं लगता कि इसे समझाने की मजीद जरूरत है। राइट विंग यूजर अपने दुख का इजहार करते हुए लिखते हैं, विडंबना देखिए रामायण में निकाह पढ़ा जा रहा है। जयपुर डायलॉग तो इस्लाम का हवाला देते हुए लिखते हैं कि सोनाक्षी के शौहर जहीर इकबाल का कहना है कि सोनाक्षी इस्लाम कबूल नहीं करेंगी क्योंकि खुदा को हिंदू भगवान कहते हैं और मुसलमान अल्लाह को, लेकिन आखिर में हम सब इंसान हैं। जहीर इकबाल को वाजे करना चाहिए कि क्या वो कुरान की इन आयात को रद्द करते हैं, मुशरिक औरतों से इस वक्त तक निकाह न करो जब तक वो ईमान ले आए, क्योंकि एक मोमिन लौंडी आजाद मुशरिक से बेहतर है अगरचे वो तुम्हें अच्छी लगे। नीज चूंकि वो कह रहे हैं कि अल्लाह और भगवान एक है तो इस आयत पर इसका क्या मौकफ है। बेशक अल्लाह ताला अपने साथ शिर्क करने को माफ नहीं करता बल्कि इसके अलावा जिसको चाहता है बख्श देता है, और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया इसने बहुत बड़ा गुनाह किया। ये है जयपुर डायलॉग्स जिन्होंने इस्लाम पर सवाल उठाया, तो हम आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी बताते हैं। दरअसल अब से कुछ वक्त पहले स्वरा भास्कर ने भी एक मुसलमान समाजवादी पार्टी के नेता फहद अहमद से शादी की थी। अब अमेरिका में शिकागो में रहने वाले मुफ्ती यासिन नदीम अलवाजिदी साहब का कहना था कि इस्लाम के मुताबिक ये शादी जायज नहीं है। उन्होंने स्वरा भास्कर के हिंदू होने की वजह बताई थी, साथ ही उन्होंने भारत के लिबरल मुस्लिमों को फटकार भी लगाई है। मुफ्ती साहब का फरमाना था, अगर स्वरा मुस्लिम नहीं है और स्वरा का शौहर मुसलमान है, ये शादी इस्लामी नुक्ते नजर से जायज नहीं है। अल्लाह इससे रोकता है कि मुशरिका औरत से निकाह न किया जाए। बाद में मुफ्ती साहब ने फरमाया था, मगर हिंदुस्तान का कानून इसकी इजाजत देता है, जो दिल चाहे करे, मगर हमारा काम दीन का सही पैगाम पहुंचाना है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस पर कुछ अलग तरह की सोच का इजहार किया है। अनिल नाम के यूजर लिखते हैं, शादी करना इन दोनों का व्यक्तिगत फैसला है, मुझे इन दोनों की शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इस तरह की शादियां ज्यादातर टिकाऊ नहीं होती है क्योंकि ये बेमेल रिश्ते होते हैं। दोनों बचपन से ही अलग संस्कृति या अलग कल्चर में पले बड़े होते हैं, आदतें खान पान जीवन शैली सब मुख्तलिफ होता है। शुरुआती दौर में तो शोना बाबू की सब बातें अच्छी लगेंगी, लेकिन बीते समय के साथ अलग अलग संस्कृति में हुई परवरिश रिश्तों में दरार लाती है। और फिर अंतरजातीय या अंतर धार्मिक शादियों का विरोध नहीं हूँ, लेकिन इस तरह की शादियों में सक्सेस रेट की दर कम होती है। अरफा खानम ने तो इस शादी पर मुबारकबाद देते हुए लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस सोनाक्षी और जहीर, शादी मुबारक, मोहब्बत जिंदाबाद। गब्बर नाम के यूजर लिखते हैं, जब हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करता है और उसे हिंदू धर्म में कन्वर्ट करता है, ये ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी ETC, जब मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है ठीक नहीं है, लव जिहाद धर्म परिवर्तन सिंडिकेट वगैरह वगैरह। वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस शादी के पीछे की वजह सलमान खान को बता रहे हैं। आरती नाम की यूजर इसकी जानकारी शेयर करते हुए लिखती है, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल को बधाई, पिछले 7 सालों में डेटिंग कर रहे इस जोड़े ने मुंबई में सोनाक्षी के घर पर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली। सूत्रों का कहना है कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के पीछे सलमान खान का हाथ है। ये हर तरह की बातें थी जो हमने आपके सामने रखी। बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई फ्रिज कौन सी कंपनी का लोगे। एक यूजर लिखते हैं कि दहेज में फ्रिज तो मिला ही होगा, तो कोई कह रहा है कि अंधभक्तों को नया जीजा मुबारक हो। बाकी आप लोगों की राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये शादी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से काबिले कबूल नहीं है और इस तरह की जो भी शादियां हो रही है इसके ऊपर मुफ्ती यासीन नदीम साहब ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। अच्छा, कभी कभी इस्लाम कबूल किया जाता है शादियों के हवाले से कि लड़का लड़की की वजह से इस्लाम कबूल कर लेता है या लड़की लड़के की वजह से इस्लाम कबूल कर लेती है, तो क्या ऐसा इस्लाम काबिल कबूल है? दारुल दियोबंद का फतवा इस ताल्लुक से यही है कि अगर इस मकसद से इस्लाम कबूल किया है तो वो अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। ये तो दारुल दियोबंद का फतवा है बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में। और इसी वजह से अभी कुछ दिनों पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी, एक शादी हुई जिसमें लड़का मुसलमान था और लड़की एक फिल्मी एक्टर्स, तो उस ताल्लुक से मैंने एक ट्वीट की थी और उसमें मैंने सिंपल ये, और उसकी वजह ये थी, ऐसा नहीं था कि मैं आमतौर से इस तरह की शादियों पर कोई ट्वीट करता हूँ, लेकिन चूंकि मुस्लिम नौजवान खुसूसन वो नौजवान के जो सीए तहरीक में वाबस्ता रहे और उस लड़के के करीब रहे किसी ना किसी दर्जे में, चूंकि सीए तहरीक में वो लड़का बहुत आगे था, तो वो बहुत सोशल मीडिया के ऊपर सेलिब्रेट करने लगे, मुबारकबाद देने लगे कि भाई शादी की मुबारकबाद फलाना टीका, ठीक है, लेकिन उससे ऐसा लगा कि इस तरह की जो शादियां हैं वो नॉर्मल हैं और उनका शरीयत में यानी शरीय एतबार से वो बिल्कुल जायज़ हैं, तो इसलिए ज़रूरी हो गया था कि उस मुनकर के ऊपर उसी वक्त नकीर की जाए जिस वक्त वो मुनकर वजूद पजीर हो रहा हो। तो हमने ये कहा कि अगर ये खातून मुसलमान नहीं है तो उसका जो इसकी जो शादी है वो इस्लामी के लिए वैलिड नहीं है, और अगर उसने इस मकसद से इस्लाम कबूल किया तो अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल न होने का मतलब ये नहीं कि मुसलमानों के नज़दीक, यानी दुनिया के एतबार से हम उसके ऊपर, दुनिया में हम उसके ऊपर इस्लामी अहकाम नाफिस करेंगे, इस्लामी अहकाम उसके ऊपर जारी होंगे, जो कि इस्लामी अहकाम का दारोमदार इकरार के ऊपर है, उसने इकरार कर लिया हुआ है, लेकिन अगर दिल में उसके ये है कि नहीं मैं इस्लाम इसलिए कबूल कर रही हूँ कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है, तो अल्लाह ऐसे इस्लाम को कबूल नहीं करेगा। तो ये बात मैंने ट्वीट में कही थी, उसकी वजह से कॉन्ट्रोवर्सी हुई और मैं समझता हूँ कि यह कॉन्ट्रोवर्सी दुरुस्त हुई और हमारा मैसेज बहुत दूर तक गया। और हिंदुओं में जो ये बात चली थी कि भाई मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं, लड़कियों को मुसलमान बनाकर उनको कलमा पढ़ाकर शादी करते हैं और ये उनका मकसद है, तो उनके पास उनको भी ये मैसेज गया कि नहीं ऐसा नहीं है, मुसलमान इस सो कॉल्ड लव जिहाद के बिल्कुल खिलाफ है, उनके यहाँ इस कॉन्सेप्ट की कोई हैसियत नहीं है जो इन लोगों की तरफ से फैब्रिकेट किया गया है और प्रमोट किया गया है। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि हमारे मुसलमान भाई बहन इस चीज को बहुत ही सीरियस होकर समझे, किसी गैर मुस्लिम की मोहब्बत के लिए अपने ईमान का सौदा ना करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और नॉलेजफुल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे हम ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखें अपना बहुत सारा ख्याल। टिल देन बाय एंड अल्लाह हाफिज।